खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। जाहिर है ये उर्दू जो है जबान तो है ही है, एक तमद्दुन है पूरा जी। तो वो जिस बिल्कुल, और वो तहजीब जब तक पस मंज़र में वो नहीं होगी उर्दू, तो आदमी सही बोलेगा भी नहीं। हालांकि आज जो भी बोलता है, कोई भी जबान बोलता है, कोई भी जुमला बोलता है, कोई भी कुछ कहना चाहता है, उसमें उर्दू का एक लफ्ज़ आना यकीनी है, उसके बगैर जुमला मुकम्मल होता ही नहीं है। लेकिन हम क्या हो रहा है कि तकरीर में तो उर्दू ज़िंदा है जी। तहरीरी तौर पे थोड़ी कम हो रही है। उसके लिए हम लोग ये जो अकेडमियाँ जो बनी हैं और जो हैं जी, उसमें उनको उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसका बेड़ा उठाएं, और स्कूलों में और ऐसे मकामात जो अवामी कहलाते हैं, चौराहे हैं, जैसे एक ज़माने में नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, तो इस तरह के कुछ उर्दू के प्रोग्राम रखे जाएं। पहले बैतबाजियाँ हुआ करती थी, मुशायरे इस तरह के हुआ करते थे बच्चों के, इनके तो उसमें बैतबाजी में लोग अशार याद करते थे, और आज ये चीज़ें ख़त्म हो रही तकरीबन, तो इनका ज़िंदा होना फिर बहुत ज़रूरी हो गया है, इनको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी। आपने कोशिश की थी अपने कॉलोनी में, मैं तो वहीं रहता हूँ आपके, तो आपने बैतबाजी अपने इस तरह के वो किए मुकाबले करवाए, लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत दूसरी जगहों पे है जो नहीं हो रहा है, और जगहों पे बम्बई में और दूसरे मजाफात जो हैं, जो सबर्ब हैं, जो स्कूल हैं, स्कूलों में होता है, लेकिन वो स्कूल बंद एरिया में होकर रहता है, इसे खुले में इसे होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि देखिए, ऐसा है कि मैं किसी जबान वाले को, किसी दूसरी जबान वाले के ऊपर कोई तोहमत नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है ना कि जिस तरह हर अच्छी चीज़ हाईजैक कर ली जाती है जी। उसी तरह उर्दू भी हाईजैक हो गई है, लेकिन बिगड़ी सूरत में, उन तक जो पहुँच रही है या वो जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह हमारे साधन, जैसे मैंने अभी जिक्र की मुखालफत, खिलाफत हो गई। अरे मैंने कहा भाई, तुम खिलाफत के बारे में अगर तुम इस्लामी तौर पे नहीं जानते हो, तो कम से कम खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ है, इसमें मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली, उसको ही खिलाफत, वो अलग चीज थी। तो मुखालफत खिलाफत हो गई, सवालतों हो गया, जज्बात जज्बातों हो गया, ख्यालात ख्यालतों हो गया, तो ये जमा दर जमा, प्लूरल पे प्लूरल, तो ये बिगड़ी हुई सूरत है, तो बिगड़ती जा रही है जबान। आराम दे, अच्छा बस सीधा साधा लफ्ज था, आराम लफ्ज ले गया, लेकिन उसको आरामदायक कर दिया गया। भाई क्यों, आप जब आराम बोल सकते हैं, वो भी तो उर्दू की चीज़ ज़बान है, उर्दू का लफ्ज़ है, आप आराम ले सकते हैं तो आराम दे कहिए ना। पूरा छोटा उर्दू की एक और खूबी है कि उर्दू कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कहती है। एक लफ्ज़ जो है वो बहुत मानवियत बहुत रखता है, और उसी तरह लिखाई भी जो है उर्दू की शॉर्ट हैंड उर्दू में इसीलिए राइज नहीं हो सकी, क्योंकि उर्दू खुद शॉर्ट हैंड है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, जिनकी बड़ी मशहूर किताब है उमराव जान अदा, जिस पर फिल्म भी बनी, उन्होंने, लखनऊ के थे वो, उन्होंने उर्दू
शॉर्ट हैंड ईजाद करने की कोशिश की, लेकिन वो राइज नहीं हो सकी क्योंकि उर्दू खुद जो है इतनी मुख्तसर, जो एक दूसरी जबान को आप एक सफ़े में लिखेंगे वो आधे सफ़े में उर्दू में वो बात हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है, और मानवियत बहुत है, मानवियत बहुत है एक लफ्ज़। तो वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि आराम दे, जब आप कहे आराम लफ्ज़ आपने लिया तो आप आराम दे क्यों नहीं कहते, आरामदायक और बढ़ा के लफ्ज़ कहना। तो नुकसान दे, नुकसानदायक, अरे भाई नुकसान आप बोलते हैं, नुकसान दे बोलिए। तो ये जो लफ्ज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो उनके साथ बदतहजीबी हो रही है, उसके साथ गुस्ताखी जो की जा रही, तो ये जो है दूसरी ज़बानों में जब पहुँच दूसरी तरफ पहुँचता है तो वो उर्दू नहीं रहती, लोग समझते हैं कि वो हिंदुस्तानी कहिए या कुछ उसको और नाम दे दिया जाता है, तो उसको उर्दू लोग मानते हैं, या बड़े उससे बोलते हैं कि हम उर्दू बोल रहे हैं तो गलत बोलते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ी उर्दू की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि तकरीर में तो उर्दू ज़िंदा रहेगी, तहरीर में थोड़ी तरफ कम हो रही, उस तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से चल रहा है। दरअसल अदब भी मोहब्बत का पैगाम है और इस्लाम भी अमन का पैगाम है, और ईद मोहब्बत और अमन और भाईचारे के लिए हम लोग मनाते हैं। रमज़ान ये सबक देता है, रमज़ान को माह मवासात कहा जाता है, यानी हमदर्दी और गमखारी का महीना। तो इसमें हम चाहते हैं कि जैसे हमने मुसलमानों ने मिलकर ईद मनाई, वैसे हम अपने बरादरान वतन के साथ मिलकर ईद के खुशियां बांटें। तो हमने शायरों को जमा किया और शायरों के दरमियान हमने ईद मिलन का प्रोग्राम किया। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है और इस साल से हमने दो शहर में दो ईद मिलन प्रोग्राम शुरू किए, वरना हम एक ही प्रोग्राम करते थे, लेकिन पूरे शहर में शोरा कराम की बहुत बड़ी तादाद है। आप यहाँ 25 शोरा ने पढ़ा, परसों यानी पिछले शनिचर को कुरला में ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ तो वहाँ भी 25-30 शोरा ने पढ़ा। तो हम मजबूर हैं कि इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर करें। हम अब ये सोच रहे हैं कि आइंदा साल हम 3 मकामात पे ईद मिलन प्रोग्राम करें, ताकि शहर के तमाम शायरों को हम मधु कर सकें और मिल बैठ कर ईद की खुशियाँ और मोहब्बत और अमन के पैगाम को बाँट सकें। देखिए बेसिकली इदारा अदब इस्लामी के तहत हम ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन तंजीमें ताउन के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो हम उस हाथ को थाम लेते हैं। हम मिलजुल कर इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी पहचान ना रहे बल्कि सारी तंजीमें आगे बढ़कर इस प्रोग्राम को मोहल्ले मोहल्ले करें। ये बेसिकली इदारा अदब इस्लामी के तहत हम ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन तंजीमें ताउन के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो हम उस हाथ को थाम लेते हैं। हम मिलजुल कर इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी पहचान ना रहे बल्कि सारी तंजीमें आगे बढ़कर इस प्रोग्राम को मोहल्ले मोहल्ले करें। उर्दू एक बहुत ही मीठी और प्यारी जबान है और इसकी जो मिठास है वो दूसरों को भी अपना गिरवेदा कर रही है। अभी थोड़े ही दिनों पहले, 10-15 रोज पहले इनकलाब में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगहों पर बहुत सारे हमारे बरादरान वतन, गैर मुस्लिम भाई बहनें उर्दू सीख रही हैं, उनके बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू आए थे। तो उर्दू तो फैल रही है, लेकिन चूंकि ये रोज़गार से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उर्दू से बच्चों को तालीम दिलाएंगे तो रोज़ी रोटी से महरूम हो जाएंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। और दूसरा ये कि अगर ऐसा खर्चा है तो बच्चों को इंग्लिश के साथ उर्दू भी पढ़ानी चाहिए, उर्दू की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। आपका ये सवाल बहुत अहम है कि उर्दू जो है जानने वाले कम से कमतर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम सब मिलजुल कर कोशिशें करें तो ये जो खर्चा है इंशाल्लाह टल जाएगा। हमारी अपनी कमियाँ हैं और ये कि ये ज़बान पूरे मुल्क में बोली जाती है। आप केरला में चले जाइए, अभी दिसंबर 2017 में, पिछले 7-8 महीने पहले मैं केरला गया था, वहाँ पे भी जो है उर्दू ज़बान में यूनिवर्सिटी कायम है, यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जा रही है, उर्दू मुशायरे हो रहे हैं और केरला के लोग जो हैं उर्दू सीख रहे हैं। तो केरला से कश्मीर तक और राजस्थान से आसाम तक उर्दू का जादू जो है जागा हुआ है। हम ही बदकिस्मत हैं कि उस ज़बान से दूर होते जा रहे हैं, वरना दुनिया इस ज़बान को अपना रही है।